हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट, आज हम हीगल का जो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हीगल का लेसन खत्म हो जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की विवेचना करें। जो हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, इस क्वेश्चन में उसके बारे में बताया गया है। देखिए, हम इसके स्टार्टिंग करते हैं। हीगल ने अपने विचार लॉजिक नामक पुस्तक में दिए। जो उसने ये द्वंद्ववादी सिद्धांत को अपनाया है, उसने ये लॉजिक नामक पुस्तक में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, उसने इसी आधार पर अपने विचारों को बताया है। ठीक है, उसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि तीनों को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। जो वाद है वो वाद को एक इकाई मानता है और प्रतिवाद को वाद का विरोधी विचार मानता है। जो प्रतिवाद है वो एक विरोधी विचार है इकाई का, मतलब वाद का। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो संवाद, इन दोनों का निष्कर्ष निकालता है संवाद। ठीक है, जो तीनों को मिलाकर फिर वह द्वंद्वात्मक बन जाता है। द्वंद्वात्मक पद्धति इसी को कहते हैं। ठीक है, जो इसकी विशेषता है इस क्वेश्चन की, वो भी हीगल बताता है। पहला पॉइंट है, हीगल के अनुसार यह विकास एक सीधी रेखा के रूप में न होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में होता है। जो हीगल है वो कहता है कि जो राज्य का विकास है वो सीधी रेखा के रूप में किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। मतलब राज्य में कोई ना कोई गलती, अच्छाई, बुराई होती रहती है, इसीलिए वह कहता है कि राज्य में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, राज्य को भी सीधे रूप से अपना विकास नहीं कर सकता। इसीलिए हीगल राज्य को एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में मानता है कि वह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में अपना विकास करता है। जो दूसरा पॉइंट है वो है, इन विकास क्रम के परिवर्तन में सांसारिक तत्वों का हाथ न होकर विश्व आत्मा का हाथ है। जो हीगल है वो मानता है, हीगल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो भगवान को अधिक मानता है, विश्व आत्मा को अधिक मानता है। उसका मानना है कि राज्य का विकास या विनाश दोनों ही विश्व आत्मा के रूप के हाथ में है। अगर विश्व आत्मा चाहे तो राज्य को विनाश के रूप में भी ले जा सकती है, अगर विश्व आत्मा चाहे तो विकास के रूप में भी ले जा सकती है। ठीक है, हीगल राज्य के विकास में सांसारिक परिवर्तन में व्यक्ति का हाथ नहीं मानता है, वह कहता है कि इसमें विश्व आत्मा का हाथ होता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है, प्रत्येक विचार विकास के तीन चरण होते हैं, पहला वाद, दूसरा प्रतिवाद, तीसरा संवाद, जो तीनों से होकर गुजरते हैं। हीगल वाद, प्रतिवाद और संवाद को सबसे महत्व देता है। जो एक हीगल है वाद को एक परिवार मानता है, उसका मानना है कि परिवार में सहयोग, प्रेम, एकता की भावना होती है। और जो प्रतिवाद है वो समाज को मानता है कि समाज में प्रतियोगिताएँ होती हैं एक दूसरे के बीच। जो तीसरा पॉइंट है उसमें मानता है कि संवाद, इन दोनों बातों का हल निकालता है तीसरा पॉइंट संवाद। जो इसी प्रकार जो संवाद है इसका निष्कर्ष निकाल कर वो लास्ट पॉइंट है। और इसके बाद कहता है कि राज्य कोई भी गलती नहीं करता है। ठीक है, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है, इसे आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरी शक्ति से प्रेरणा नहीं लेनी पड़ती, यह विश्व आत्मा में स्वनिहित है, इसे प्रेरणा लेते हुए अग्रसर होता है। देखिए, हीगल यह बात कहता है कि हीगल जर्मन राज्य को सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ देता है। वह मानता है कि जर्मन राज्य है जो, वो बहुत अच्छा राज्य है, उसमें जो कानून व्यवस्था वो अच्छे तरीके से चलती है। इसी प्रकार वह कहता है कि राज्य को आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरी शक्ति से प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है, जर्मन राज्य में अच्छा है, जो अच्छा है जर्मन राज्य उसमें विश्व आत्मा निहित है, इसीलिए उसे किसी न किसी दूसरी शक्ति से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही राज्य अपने आप ही, जो ये जर्मन राज्य इसके बारे में बताता है कि जो ये राज्य है वो अपने आप ही विकास के मार्ग पर अग्रसित होता है। तो इसी प्रकार हीगल मानता कि हर राज्य को विश्व आत्मा की बातों को मानना चाहिए, तभी वह विकास की ओर चल सकता है। जो पांचवा पॉइंट है वो है, प्रत्येक वाद के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं जो आगे चलकर स्पष्ट हो जाती हैं, मूल वाद को नष्ट कर देती हैं। हीगल कहता है कि प्रत्येक वाद, कोई भी अगर बात होती है तो उसमें कोई ना कोई कमी तो ज़रूर होती ही होती है, फिर वह प्रतिवाद का रूप ले लेती है जो
वाद संवाद के रूप में वह कमी स्पष्ट हो जाती है। संवाद मतलब जो प्रतिवाद होते हैं आपस में, एक दूसरे के बीच बात विचार होते हैं, तो उसके बाद जो संवाद निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद वो कमियां दूर हो जाती है, मूलवाद को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार हीगल अपने सभी विचार वाद प्रतिवाद और संवाद के रूप में ही देता है। जो छठा पॉइंट है वह वाद प्रतिवाद के योग से संवाद का निर्माण होता है, वह वाद और प्रतिवाद से ऊंचा होता है। हीगल मानता है कि वाद और प्रतिवाद से ऊंचा संवाद होता है जो निष्कर्ष निकालता है। हीगल कहता है कि वाद प्रतिवाद और संवाद के आधार पर ही वह अपने विचारों को प्रस्तुत करने करता है। वह कहता है कि संवाद सबसे ऊपर है, इससे ऊपर इसे ही वह बातों का निष्कर्ष निकालता है। इसी प्रकार वाद प्रतिवाद के योग से ही संवाद जन्म लेता है। जो सातवां और लास्ट पॉइंट है वो है, जो व्यक्ति राज्य में संघर्ष में सफलता प्राप्त करता है उसमें विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। हीगल कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी संघर्ष होते हैं उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है, हीगल का ये मानना है कि वह उसमें विश्व आत्मा का हाथ होता है। देखिए इसमें क्या बताता है हीगल। हीगल कहता है कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है और सफल हो जाता है, जो उसके पीछे विश्व आत्मा का हाथ होता है, तो हीगल कहता है कि उसके पीछे विश्व आत्मा का हाथ होता है। हीगल कहता है कि विश्व आत्मा केवल आदर्श राज्य में नहीं इतनी होती, आदर्श राज्य वही होता है जिसमें व्यक्तियों को सफलता मिलती है, उसमें ही विश्व आत्मा निहित होती है। आपको द्वंद्ववाद नहीं समझ में आया तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको द्वंद्ववाद समझा सकती हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से सुनना तो आपको द्वंद्ववाद के प्रति जो भी कमियाँ आपके रह गई हैं, या आपको ये लगता है कि द्वंद्ववाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो इस उदाहरण के द्वारा आप इस द्वंद्ववाद को स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए मैं दो तीन उदाहरण लिखे हैं मैंने, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति कहता है कि वाद के एक वाद के रूप में एक व्यक्ति कहता है, जो वाद है उसके रूप में कहता है कि सोना उपयोगी होता है, कि सोना यूजफुल होता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति प्रतिवाद के रूप में कहता है कि उपयोगी नहीं होता है, कि सोना उपयोगी नहीं होता है। पर तीसरा व्यक्ति संवाद के रूप में कहता है, जो तीसरा व्यक्ति है वो संवाद के रूप में बोलता है कि सोना सिर्फ परिस्थिति के अनुसार ही उपयोगी होता है। समझ में आया आपको कि सोना है जो एक परिस्थिति के अनुसार ही उपयोगी हो सकता है। मतलब अगर कहीं पे सोने की ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे सोना किस काम का, किसी काम का नहीं। वहाँ पे तो पैसों की ज़रूरत है, कोई लेने वाला सोना लेने वाला नहीं है, तो वो सोना किसी काम का नहीं है। अगर वो सोना शादी समारोह में इसमें आता है, सोना है और वो काम आता है। कारहीगल कहता है इसी प्रकार द्वंद्ववाद को समझाया जा सकता है कि परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार सोना काम आता है वो संवाद के रूप में स्पष्ट हो जाता है। जो दूसरा एग्जांपल है वो है, बीज के रूप में गेहूं वाद होता है और अंकुर के रूप में प्रतिवाद होता है, फिर पौधा बन जाता है तो वो संवाद बन जाता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है, परिवारवाद के रूप में होता है जिसमें प्रेम सहयोग एकता की भावना होती है, प्रतिवाद के रूप में समाज होता है जिसमें विचारों का संघर्ष होता है, और जो तीसरा है वो संवाद के रूप में राज्य का जन्म लेता है जो सभी बातों का निष्कर्ष निकाल देता है। आइए हम अब द्वंद्ववाद की आलोचना करते हैं। देखिए द्वंद्ववाद की जो आलोचना वो कम ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यही आलोचनाएँ हैं सिर्फ। सेबाइन ने हीगल की द्वंद्ववादी पत्ति को भ्रमक बताया है। हीगल ने इसे सिद्धांत का प्रयोग बड़े मनमाने ढंग से किया है। जो सेबाइन है वो कहता है कि हीगल ने अपने मनमाने ढंग से अपनी कल्पना के द्वारा इस द्वंद्ववादी पत्ति का उपयोग किया है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वह कला धर्म दर्शन को वाद प्रतिवाद और संवाद मानता है जो कि तर्कसंगत नहीं है। ये जो वाद प्रतिवाद संवाद का एग्जाम्पल देता है इसे भी वो कई आलोचक गलत मानते हैं। जो तीसरा पॉइंट वह है, हीगल की द्वंद्ववाद की आलोचना इस आधार पर की गई है कि उसने इस पद्धति द्वारा सिद्ध किया है कि शक्ति सही व्यक्ति को इतना बढ़ाया गया है, मानव जाति को दो मानव युद्धों को देखना पड़े। कहते हैं कि जो हीगल है ये पॉइंट है, मैंने आपको इसे बता दिया है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसने इस सिद्धांत को इतने मनमाने ढंग से प्रस्तुत किया है, ये इतनी कल्पना के द्वारा प्रस्तुत किया है कि इन ही विचारों के कारण मानव को दो विश्व युद्ध सहने पड़े
जो बहुत ही गलत है। ठीक है, जो चौथा और लास्ट पॉइंट है आलोचना का, हेगल का यह सिद्धांत काल्पनिक है, इसे आज के राज्य पर लागू बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगर हम इस सिद्धांत को आज के राज्य पर लागू करते हैं तो किसी भी प्रकार राज्य को अच्छे और सच्चे रास्ते पर नहीं ले जाया जा सकता। तो निष्कर्ष के रूप में हम कहते हैं कि हेगल द्वंद्ववाद को अधिक महत्व देता है, द्वंद्ववाद के द्वारा ही वह समाज का विकास करना चाहता है, लेकिन आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं और कहते हैं कि द्वंद्ववाद के द्वारा विकास नहीं किया जा सकता है। और हेगल ने अपने मनमाने ढंग से इस विचार को प्रस्तुत किया है या मनमाने ढंग से राज्य को चलाना चाहता है। आज का चैप्टर हमारा यही ख़त्म होता है। देखिए, मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता या कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगला हम जो टॉपिक करेंगे वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का विलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले टॉपिक में मैं मिलती हूँ। थैंक यू।